तमास्की की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे साला छान, जो गर्मी के मौसम के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही तरावट देने वाला होता है और पाचक भी होता है। तमास्की की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब में बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे यह होगा जो भी रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। तो आइए बनाते हैं मसाला छाछ। एक ग्लास मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दही और एक कप पानी हमने लिया है। और थोड़ी सी हरी धनिया मैंने छोटे टुकड़े में काटा है। एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसका बीज हमने निकाल दिया है। मैंने 8 से 10 पुदीने की पत्ती भी छोटे टुकड़े में काटा है। एक छोटा चम्मच हमने सादा नमक लिया है, एक छोटा चम्मच काला नमक लिया है। अगर आपको काला नमक नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर हमने लिया है आधा चम्मच। काली मिर्च हमने पीस कर रखा है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर दही डाल देंगे। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। मैंने इसके अंदर टोटल एक चम्मच नमक डाल दिया है। बस जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च थोड़ा सा गांसी के लिए रखेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, पुदीने के पत्ते और ये हरी धनिया के पत्ते। और इसके अंदर पानी डालेंगे, ये मैंने ठंडा पानी लिया है। और इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसे चेक करेंगे इस तरीके से। और ये छाछ हमारा काफी गाढ़ा है, पतला भी नहीं है ज्यादा। इसके अंदर हम और पानी नहीं डालेंगे और इसे हम सर्विंग ग्लास में डालेंगे। और इसे हम गार्निशिंग करेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, हरे धनिया के पत्ते, काली मिर्च पाउडर, और पिसा हुआ जीरा पाउडर। और ये हमारा टेस्टी और हेल्दी छाछ बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर पुदीने के पत्ते भी रखेंगे और अपने स्वास्थ्य को हेल्दी और कूल बनाने के लिए इस ड्रिंक को जरूर बनाइए। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।